कि नवरात्रि में एक दिन जैसे प्रतिपदा है पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो दो कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो तीन कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो चार कन्या का पूजन करो, पंचमी है पांच कन्या का पूजन करो, छठ है छह कन्या का पूजन करो, सप्तमी है सात कन्या का पूजन करो, अष्टमी है आठ कन्या का पूजन करो, नवमी है जम के बोलो नौ कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो नौ कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो। पर अगर आपकी कोई कामना है आपकी कोई इच्छा है, मान लो पड़े जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है हमारी वो मकान नहीं बिक रहा या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में चार नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र लाल दो कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र देना लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में तीन, चौथे दिन में चार, पांचवे दिन में पांच, ऐसे सात नौ दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल करते।